देखिए, अवैध शब्द को हटा दीजिए, ये अवैध कब्जा नहीं है। ये लोग का बाप दादा परदादा से ज्यादा दिनों से इन लोग यहीं पर जो से इन लोग रह रहा है। अब ये गरीब लोग हैं, ऐसे भी बरसात के दिन में किसी को नहीं हटाया जाता है। ये बरसात के समय हटाने का कोई सेंस नहीं है। अब बात हुआ है कि भाई जो भी अधिकारी आए था, अब हम लोग DRM से ही बात करेंगे और कहेंगे कि भाई इसका रास्ता निकलना चाहिए। और देखिए, नीति ये होनी चाहिए कि पहले बसाएंगे तब हटाएंगे, उजाड़ेंगे नहीं, हटाएंगे। अभी देखिएगा जाकर के हम लोग बसाए हैं 180 फ्लैट कहाँ लोहरा कुचा के पास, देखे मकान कभी? बिरसा नगर। हाँ, तो पहले पहले कहाँ रहता था उन लोग? झोपड़ी में, एकदम नीचे कीचड़ मेरे भाई, आज सब वहाँ रह रहा है। उसी प्रकार बनहौरा में भी बना है, बनहौरा में भी हो गया, रूगड़ी गढ़ा में बना है। अभी देखिए रूगड़ी गढ़ा, उसके बाद रुगड़ी गढ़ा, खाद गढ़ा, और अभी HEC में व्हाइट हाउस 1000 लोगों का वहां पर, ठीक है ना, उसका लॉटरी हो गया, भी गया सब वहां चला भी गया। तो मेरा कहना है कि भाई कोई भी आदमी है, गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी का पैसा रहेगा तो जमीन खरीदने का पैसा नहीं है और न मकान बनाने का पैसा है, तो आखिर कहाँ जाएगा उन लोग? तो हम लोग इसी में लगे हुए हैं कि जो जहाँ है वहाँ उसी स्थिति में रहे, हम लोग इसी प्रयास में लगे। बिल्कुल क्या कहेंगे सर? देखिए, यहाँ पे लोग पिछले 60-70 वर्षों से यहाँ पे रहते आ रहे हैं और रांची शहर के डेवलपमेंट में योगदान में इन सारे लोगों का बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज जो यहाँ के जो बड़े लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके यहाँ जो ड्राइवर्स हैं, जो उनके यहाँ माली का काम करते हैं, ऐसे सारे लोग कहाँ रहते हैं? शहर की बस्तियों में रहते हैं। और ये रेलवे ट्रैक के बगल में ये कडरू पुलटोली से अरगोड़ा चौक तक में जो नोटिस दिया गया है, ये बिल्कुल ही गलत तरीके से, ये नोटिस कल ही दिया गया और आज ही फोर्स पहुंचती है इनको जाड़ने के लिए, सरासर गलत है। पहले इनको बसाने का प्रयास होना चाहिए, पहले जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच की मीटिंग होनी चाहिए थी, इनको बसाने की बात होनी चाहिए। अगर रेलवे के डेवलपमेंट के लिए अगर बहुत ही जरूरी है, निहायत जरूरी है कहीं जमीन पे काम करना, तो उन लोगों को पहले चिन्हित करके उनको पहले बसाने का काम करना चाहिए, तभी यहाँ पे हाथ लगाना चाहिए। और ये सारे लोग यहाँ पे जो है एकजुट हैं, और यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या सामाजिक लोग हों, ये सारे लोग इनके साथ हैं, हम इनका साथ देंगे। अगर रेलवे के लोग इनको उजाड़ने के लिए आते हैं तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और ये होने नहीं दिया जाएगा। देखिए, आप जो यहाँ पर रेलवे लाइन देख रहे हैं और रेलवे का जो कुछ भी देख रहे हैं, इनके निर्माण में यहाँ इस बस्ती में रहने वाले लोगों के पुरखों का हाथ है। 50-60-70 साल पहले जब कुछ भी नहीं था, जंगल था, उस समय ये लोग आकर जंगल काट कर ये सारा कुछ बनाए हैं। अगर उनको यहाँ से उजाड़ना ही था तो उस समय इनको बसने नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि रेलवे की जमीन है। लेकिन चूंकि उस समय उनकी जरूरत थी, इसलिए रेलवे के अधिकारियों ने उनको यहाँ रहने दिया, कुछ नहीं कहा। आज जब उनके बाल बच्चे एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी यहाँ पर है, छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर रहकर, चूंकि शहर के बीच में है, इसलिए आप सभी जानते हैं कि आसपास के होटलों में, घरों में, दुकानों में मैन पावर की जो जरूरत होती है वो यहाँ से भी पूरी होती है। लोग दूर दराज के गाँव से, जंगल से आके नहीं काम करेंगे, यहाँ रह के ही काम करेंगे। तो ये लोग, रोजी रोटी इनका यहीं पर है, इसलिए हम लोगों का अनुरोध है कि इस तरह से इन्हें ना उजाड़ कर इन्हें यहीं पर आसपास कहीं रेलवे की कोई ऐसी जमीन में बसाया जाए, ताकि आसपास रह के ये अपना रोजगार भी कर सके, अपने बाल बच्चों को पढ़ा सके, क्योंकि यहाँ के स्कूल में ये लोग पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। जवान लड़कियाँ, आप बताइए, अभी अगर घर उजाड़ दिया जाएगा, ये जवान लड़कियाँ क्या सड़क पर रहेंगी रात को? और बारिश का वक्त है, पूजा का समय है, सब लोग व्रत करती हैं, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। हम लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन न्यायालय का सम्मान करते हुए हम लोग रेलवे के अधिकारियों से ही बात किए हैं और उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग कोई ऐसा रास्ता निकालिए ताकि इन्हें उजाड़ना ना पड़े और कुछ दिन के लिए इसको स्टे लेकर इनके लिए सोचा जाए और जल्द से जल्द आसपास ही इनके लिए कुछ घर वगैरह बना के इन्हें फिर से बसाया जाए। बिल्कुल, स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग कितने साल से रह रहे थे यहाँ पे? हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए, माँ बाप दादा से भी ज्यादा यहाँ रह रहे हैं।
अब हटाया जा रहा है। चार पुरखा हो गया है, 100 साल से भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन दादा का परदादा का परदादा लोग यहाँ पे रहे हैं, उन लोग का बसाया हुआ बस्ती है। क्या कहेंगे आप लोगों को हटाया जाएगा तो? हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को कहीं पे बसाया जाए, उसके बाद हटाया जाए, और हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। हटाने से उजाड़ने से पहले बसाया जाए, बस नहीं हम लोग कहना है। स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का कहना यही है, हम लोग को जगह दीजिए, उसके बाद हटाइए, और कुछ नहीं कहना है। घर दीजिए, उसके बाद हम लोग बोलेंगे। हम लोग को जगह दीजिए, तब जाएंगे। हाँ, तब जाएंगे। हम लोग छोड़ देंगे, ये नहीं बोले कि नहीं लेंगे, उसका जमीन है, हम लोग का जमीन। तो यहाँ पर भैरव सिंह है, उनसे भी जानकारी हुए कि काफी दिनों से, मतलब कहा जाए काफी सालों से लोग रह रहे हैं। भैरव सिंह है, उन्हीं से जानकारी लेंगे। भैरव सिंह यहाँ पर मौजूद है। भैरव सिंह, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी मात्रा से जो लोग हैं वो रह रहे हैं, उसके बाद अब जो सीआरपीएफ जो है जवान वो आके खाली करवा रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, जवान तो उनके आदेश के, जो उनका आदेश मिलता है वो काम करते हैं। आज रेलवे के विकास के लिए यहाँ तोड़ने की बात चल रही है, लेकिन जहाँ जब रेलवे पटरी नहीं थी वहाँ तब से ये रह रहे हैं। यहाँ जब जंगल हुआ करता था, जंगल को काट करके ये लोग यहाँ पर रहने लायक जगह बनाए हैं, और ये वही लोग हैं जिनको उजाड़ने की बात कर रहे हैं। जो उजाड़ने आते हैं, जो एसी गाड़ियों में बैठ के आते हैं, जो एसी गाड़ियों में बैठ करके उजाड़ने आते हैं, उन गाड़ी के मैकेनिक यहाँ वाले लोग हैं। जिन घरों में वो लोग रहते हैं, जिन बिल्डिंगों में रहते हैं, उन बिल्डिंगों का निर्माण करने वाले लोग यहाँ के हैं। यहाँ के लोग मजदूरी करके उनकी बिल्डिंगें बनाए हैं। यहाँ के लोग मजदूरी करके जब वो हॉस्पिटल एडमिट होते हैं तो उनका साफ सफाई करते हैं। यहाँ के लोग विश्वकर्मा हैं। यहाँ के लोगों ने झारखंड का निर्माण किया है और यहाँ के लोगों को हटाने का बात कर रहे हैं। अरे, उनका अगर अस्तित्व है जो यहाँ पर आ रहे हैं गाड़ियों से हटाने के लिए, तोड़ने के लिए, उनका अस्तित्व यहाँ के स्थानीय लोगों से है, हमारी बहनों से, हमारी माताओं से है। अगर यही नहीं रहेंगे तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और बोलते आकर के पहले तोड़ देंगे, जब तक इनको यहाँ पर स्थानीय निवास बना करके नहीं दिया जाता है तब तक किसका औकात है तोड़ने का, हम लोग भी यहाँ देख लेते हैं। अरे समझे, अरे जान चल जाएगा, लेकिन एक वो घर तोड़ने नहीं देंगे। और अगर टूटेगा तो हम लोग का लाश पर टूटेगा। पहले यहाँ स्थापित कीजिए लोगों को, पहले यहाँ घर बना करके दीजिए, उसके बाद यहाँ तोड़ने का बात कीजिएगा। और नहीं तो जो आंदोलन होगा ये झारखंड नहीं पूरा भारत देखेगा। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि काफी मात्रों में यहाँ पे जो आवाज घर बना हुआ है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कितना घर होगा यहाँ पे? होगा बताएंगे, गिन के 40-50। 40-50 साल। कितना साल से रह रहे हैं आप लोग? मेरे परदादा दादी सब तो उन लोग के जमाने से हैं। हाँ, बोलिए। बुजुर्ग से पूछिए। सास ससुर लोग रह के सब गुजर दिए यही। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, इतना दिन से बसे हुए हैं तो हाँ, तो फिर कहाँ जाएंगे? अच्छा, के घर तोड़ दीजिएगा आप लोग तो हम लोग कहाँ रहेंगे? बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे सब? जी बिल्कुल, जो अब देखना होगा कि जो रेलवे का लोग हैं वो आए हैं और इन लोगों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। मुझे दीजिए इजाजत, न्यूज बाइस्कोप रांची मुर्शीद।